सालों के बाद यहाँ आए, मुझे लगता है एग्जैक्टली एक साल इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये फ्लैट तो है ही हमारा और खाली है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग कुछ कुकिंग शुकिंग करेंगे। अभी कुकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि टुमारो इज क्रिसमस मेला इन आवर बिल्डिंग जहाँ पे अभी हम रहते हैं। तो वहाँ पे योर्स ट्रूली हैज ओपन दो स्टॉल मैंने लगाया है। अभी जब स्टॉल्स खरीदे, यू नो पार्टिसिपेट किया, इससे पहले यू नो बिल्डिंग के कोई फंक्शंस होता था, अपने काम में बिजी होती थी, यू नो शूट वूट करने में बिजी रहती थी, बच्चों को लेके बिजी रहती थी। इस बार मैंने सोचा बच्चों के लिए ही माइट एज वेल यू नो पार्टिसिपेट प्रॉपरली। अभी मेरे बच्चे यू नो कल्चरल एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना डांस कर सकते, ना सिंगिंग कर सकते, बाद में करेंगे तब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो है इन द स्टॉल्स। तो स्टॉल्स खरीदे, एक नहीं दो दो। अभी उसमें क्या बनाऊंगी कुछ नहीं पता था, तो आज लास्ट मिनट पे हम लोगों ने सारी तैयारी की। तो हमने सोचा एक स्टॉल में रखेंगे चीज के और कुकीज और स्ट्रॉबेरी डिप्ड इन चॉकलेट फाउंटेन वो सब। और फिर मैंने ऐसा एक्चुअली सोचा जब तक एक फाउंटेन ना हो, मतलब एक विजुअल एलिमेंट ना हो अट्रैक्टिंग, तो लोग अट्रैक्टेड होंगे क्यों। मैं कुछ ग्लासेस में स्ट्रॉबेरीज रख दूंगी तो बच्चे सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खाने नहीं आएंगे, वो चॉकलेट फाउंटेन देख के ना काफी लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो मैंने चॉकलेट फाउंटेन भी मंगवा लिया। गुरु वाज लाइक तुम ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, इट्स फॉर फन, बिकॉज यू नो बिल्डिंग के बच्चों के अंदर सामान यू नो बेच के खरीद के क्या मैं इतना भयानक प्रॉफिट कर लूंगी, लेकिन आई विल डू इट विथ ऑल माई हार्ट। तो इसीलिए आज घर से बाहर यहाँ पे आई हूँ ताकि घर पे जो किचन में रेगुलर का खाना बनता है लंच डिनर, उसके बीच में मैं खाना बनाने बैठ जाती हूँ ना, बहुत मतलब दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सबको लेके आ गई हूँ। सारे डिस्टर्बेंसेस को साथ में लेके आ गई हूँ, मतलब मैं बच्चों से दूर नहीं रह सकती। इफ आई एम फ्री, इफ आई एम नॉट शूटिंग, वैसे मतलब जहाँ पे बच्चे होंगे तो उन लोगों को तकलीफ होगी, वैसी जगह छोड़ के मैं हर जगह उनको साथ में लेके जाती हूँ। मुझे लगता है ये भी घर ही है, हमारा घर है, उनका घर है, तो यहाँ पे वो लोग पैदा हुए थे। आई एम श्योर दे विल फील वेरी कम्फर्टेबल, एंड यहाँ पे सब कुछ है, मतलब यहाँ आराम से चिल्लैक्स मार सकते हैं। और मैं क्विकली खाना बनाऊंगी। खाना बनाने में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे आज साथ देने के लिए है अनुष्का मेरी बहन, और इधर अभी तक आई नहीं, वो आ रही है, वो है मेरी भाभी गुरमीत के कजन ब्रदर के वाइफ, तो वो बहुत अच्छी शेफ है। तो उसके साथ मैंने कल काफ़ी लंबा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि हम लोग ऐसा कौन सा केक बना सकते हैं कि हमारे पास एसी चेंबर नहीं है या फ्रिज नहीं है, और चीज़ केक बना के बाहर रखेंगे तो वो सब गल जाएगा। तो हम लोग बेक चीज़ केक बनाएंगे, स्किनी चॉकलेट केक बनाएंगे, एंड द थर्ड वन इज टीरामिसू बनाएंगे। अभी टीरामिसू में शायद रमम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, वील मेक आलमंड फ्लावर का बेस एंड क्रीम एंड सम कॉफीज एंड ऑल दो स्टफ। आइडिया बहुत सारा है लेकिन हम शुरुआत में ही बहुत लेट हो चुके हैं, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हेलो, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खाना बनाने के लिए। अभी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा यू नो केक्स, डिफरेंट केक्स जो हम लोग सुपर फास्ट बनाएंगे। अगर हम लोग यू नो सुपर फास्ट अलग वैरायटी के केक बना सकते हैं, आई एम श्योर आप भी बना सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो वुड बी यूजफुल। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं द स्किनी चॉकलेट केक। इट्स हेल्थी, इट्स चॉकलेट अगेन, एंड चॉकलेट एक ऐसा फ्लेवर है जो सबको पसंद है, और हम इसका बेस रखेंगे कोकोनट फ्लावर और आमंड फ्लावर का। विल ट्राई टू मेक इट कीटो ताकि जो यू नो एब्सोल्युटली कार्ब कॉन्शियस लोग हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे स्टॉल में अगर लोग कुछ खाने आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे वो हेल्दी हो, एंड मैं उन्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रश्मि इंग्रेडिएंट्स सब लिख कर आई है, तो आप एक बार पढ़ के सुना दो क्विकली। आलमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और
एक है इम्पोर्टेंट जो कि हम कीटो केक में यूज करते हैं, वो है मॉन्क फ्रूट शुगर से। या सो टू स्टार्ट विथ हम इसी में कर रहे हैं क्योंकि इस घर में थोड़ा सा बर्तनों की कमी है। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोकोनट फ्लावर 5 टेबल स्पून, बेसिकली आलमंड फ्लावर से हाफ क्वांटिटी हम कोकोनट फ्लावर यूज करें। हेलो डालो, गुड, इसमें डाल दो, वेरी गुड, एन आलमंड फ्लावर इसमें डाल दो, गुड, वेरी गुड। कोको पाउडर यूज करेंगे हम, कितना? 5 टेबल स्पून। लो डालो, यस गुड गुड, वेरी गुड, हो गया। मॉन्क फ्रूट कितना? शुगर ये हम डालेंगे इससे 4 चम्मच। डालो और एक लास्ट, ये वाओ। सो देखा जाए तो सब कुछ हम लोगों ने इकट्ठा बस मिक्स कर दिया। क्या डाल रहे हैं? ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ये है 1/2 टीस्पून। मिक्स अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। मम्मा विल शो हाउ टू डू, सी लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसे थोड़ा साइड करेंगे, ये हम बना रहे हैं ताकि जो हमने अभी ड्राई बैटर रखा था ना साइड में, उस वो मिक्स होगा इसमें अंडा और व्हिपिंग क्रीम में। ओके ठीक है, तो हम ये व्हिपिंग क्रीम डाल रहे हैं बेसिकली 1/2 कप, और व्हिपिंग क्रीम हमेशा हम चिल्ड यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो, अच्छे से कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो हम इसे पहले बीट कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 6 अंडे, हमें कुछ भी अलग नहीं करना है, ना व्हाइट ना येलो। ये मैंने 6 अंडे बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मेल्टेड बटर 1/2 कप, वेनिला एसेंस 1 टेबल स्पून। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हम एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए ताकि ये जो ड्राई बैटर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा डाल के मिक्स करें ताकि लम्स ना रहे इसके अंदर। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट, जब हम इसे मिक्स करेंगे उससे पहले प्री हीट करना है अपने अवन या माइक्रोवेव, आप जिस पे भी बेक कर रहे हैं। जब आप ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दोगे तो आप इसे 10 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते, अदरवाइज ये फर्मेंट नहीं होगा। इसलिए आप इसे प्री हीट करें 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसे बेक कर लें। ये जो मिक्सर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया, और ये जो बेकिंग टिन है आप चाहो तो इसके अंदर पार्चमेंट पेपर भी डाल सकते हो, बट हमारे पास ये नॉनस्टिक है राइट, तो इसीलिए हम इसमें बटर यूज कर रहे हैं। अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने बैटर को इसके अंदर डाल दिया है, और देखो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। ऐसे ऊपर से लेके नीचे ऐसे पटकना है 5 से 6 बार ताकि जो भी एयर बबल है वो खत्म हो जाए। अब हम इसे डाल देते हैं अपने अवन में। अब हम जो सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे वो है चॉकलेट बटर क्रीम, इसे चॉकलेट लेयर आम भाषा में बोलेंगे, चॉकलेट लेयर, और प्रोफेशनल भाषा में चॉकलेट बटर क्रीम। तो जो दोनों मतलब जो स्पंज बन रहा है हमारा चॉकलेट स्पंज केक, उसके बीच में जो लेयरिंग होगा जो उसको बाइंड करेगा ताकि खाने में मुंह में लगेगा यू नो यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं ये 1/2 कप मेल्टेड बटर, ये हैवी क्रीम है, ये हम लेंगे बड़ा चम्मच 2। ये है मॉन्क फ्रूट शुगर, तो ये हम डाल रहे हैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा, और हम यूज करेंगे कोकोआ पाउडर, ये हम ले रहे हैं 1/4 कप, बेसिकली 3 चम्मच। और हम इसके अंदर यूज करेंगे मेल्टेड डार्क चॉकलेट कंपाउंड 80 ग्राम, अगर मैं चम्मच के हिसाब से बताऊं तो 4 बड़े चम्मच। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, ना पतला ना गाढ़ा, इजिली निकल रहा है क्योंकि चॉकलेट है, ये थोड़ा सा कड़क भी होगा थोड़ा हार्ड भी होगा, ताकि जो हम लेयर लगाएं वो बहुत ही अच्छे से लगे
केक के बीच में। ये हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम केक का वेट करेंगे, तब तक हम इसे साइड में रख देंगे। टेस्ट करो। स्वीटनेस, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि नीड दिस होल डे, क्योंकि मेरे सामने बना है, मुझे पता है इट्स शुगर फ्री एंड इट्स सो अमेजिंग। मैं गुरु को खिला के आती हूँ। तो अब हम ये चॉकलेट क्रीम चीज को हम इसके ऊपर डालेंगे, ऊपर वो भी डाल देंगे। ये कौन है? Wait, first let me talk to the camera. Let me tell what Liana is doing. Okay. Liana, first say hi. Wait. Achha, le lo, ye le lo. Kya hai wo? Chocolate spoon. Khake dekho. Abhi hum log banane ja rahe hai keto तिरामेसु। ये हम लोगों को बहुत पसंद है और खाने में भी बहुत यम यम होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हमें यमी लगता है हम उतना ही यमी बनाएं, बिकॉज हमारे पास बेंचमार्क है, हम लोगों का टेस्ट तैयार है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। उसके लिए भी हमें चाहिए आमंड फ्लावर, जो लियाना ने डाल लिया। तो सेम मेजरमेंट से आप एक कप और डालें, तो टोटल दो कप। और दूसरा हम डालेंगे मेल्टेड बटर एक कप। ये है मॉन्क फ्रूट, ये हम डालेंगे 1/4 कप। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ऐसे अच्छे से हम कंबाइन कर ले। बस इतना ही बटर हमें इसके अंदर यूज करना है। अब हम इसको ट्रे में डाल के हल्का सा बेक करेंगे। ऑलरेडी मैंने 5 मिनट पेपर डाल दिया है और हम इसे फ्लैट करेंगे 160 डिग्री पे। हम इसे 7 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे, ज़्यादा बेक नहीं करेंगे, क्योंकि आलमंड फ्लावर है ये बहुत जल्दी बेक होता है और जलने के चांसेस भी बहुत मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए आप है ना बहुत जला देते हैं। आलमंड फ्लावर बहुत ज्यादा जल्दी जल जाता है, इसलिए आप इसे पहले 7 मिनट बेक करें। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम क्रिस्पीनेस हुआ है तो आप इसे 2 से 3 मिनट और बेक करें, इससे ज्यादा नहीं। और तुरंत क्रिस्पीनेस नहीं होता है, इसे थोड़ा ठंडा करोगे ना तभी समझ में आएगा ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेकिंग की ओर। ये जो आलमंड का एक क्रस्ट बना जिसको एकदम चपटा करके हम लोगों ने बनाया, इसी से बनेगा तिरामिसू का बेस हमारा रेडी हो गया है। अभी उसके ऊपर का जो यू नो द क्रीमी पोर्शन होता है उसे हम बनाएंगे। मैं हमेशा से इंटरेस्टेड थी कि मैं खुद सीखूं कि उसको कैसे बनाते हैं, तो साथ में बनाते हैं, सीखते हैं, आप भी सीखिए। तो चलिए ये आप ट्राई कीजिए। चलिए आज मैं बता रही हूँ, आप बनाओ। तो ये हम डाल रहे हैं क्रीमी चीज। ओके, क्रीम चीज 100 ग्राम। ओके, अच्छा उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 1/2 कप डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये हम व्हिपिंग क्रीम डाल रहे हैं बिल्कुल चिल्ड, ताकि वो फ्लफी हो जाए। स्वीटनेस के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास, थोड़ा सा हम डालेंगे वेनिला एसेंस। और तिरामिसू का बेस फ्लेवर क्योंकि होता है कॉफी, सो हम लोग थोड़ा सा कॉफी भी डालेंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो तिरामिसू को हम लोगों को एक यू नो प्लास्टिक के छोटे-छोटे ग्लास में डाल देना है, ताकि यू नो जितना टेस्टी हो उतना विजुअली भी अपीलिंग हो। तो उसके लिए अनुष्का वो ग्लास में भर रही है, और उसके बाद हम लोगों ने जो क्रीम बनाया उसको हम उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे। तो जैसे जैसे करेंगे आप देख सकते हो, बट इट इज़ अ लिटिल टीडियस प्रोसेस। एक लेयर बिस्किट गया, एक लेयर क्रीम चीज गया, इसके ऊपर मैं और एक लेयर बिस्किट डालना चाहूंगी।
थर्ड थिंग एंड माई वेरी फेवरेट इज स्ट्रॉबेरी चीज केक, तो उसके बिना तो नहीं हो सकता था हमारा चीज केक डिस्प्ले. तो स्ट्रॉबेरी चीज केक भी हम हेल्दी बनाएंगे एंड उसमें भी हम बेस यूज करेंगे आमंड फ्लावर का. तो फर्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आमंड फ्लावर. ये हम डालेंगे 1 कप. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मॉन्ग फ्रूट. स्वीटनेस के लिए इससे हम डालेंगे 3 चम्मच. डालेंगे बटर 6 चम्मच. अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे. मैं जो आमंड कुकीज बनाती हूँ घर पे, तो ऐसे ही बनाती हूँ, आमंड फ्लावर, बटर, और उसमें मैं, क्योंकि मैं बेबीज के लिए बनाती हूँ, तो उसमें मैं स्वीटनेस के लिए डालती हूँ डेट पाउडर. पर यहाँ पे हम मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं फॉर कीटो दिस थिंग. अच्छी बात है, यू नो, अगर बाय चांस स्टॉल में किसी ने हमसे खाना नहीं खाया, मुझे पता है कि मेरा ये इतना अच्छा है, इतना हेल्थी है, मैं खुद ही घर पे लेके जाके खा लूँगी, फिनिश कर लूँगी, ज़रूरत नहीं है. बस ये हो गया. अब हम इसे सेट करने के लिए ट्रे में डाल देंगे. चीज़ केक का कुछ स्पेशलिटी होता है जो रश्मि हम लोगों को समझाएंगी. तो बेसिकली जो बेस होगा उसे हमें बेक करना है. विदाउट बेक भी बनता है. तो इस टाइप का मोल्ड होता है ये, आप इसे डी मोल्ड कर सकते हैं. जो बेसिक होता है वो ऐसे लगता है, ये देखो, ठीक है. बट हमें ये पार्ट यूज नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये डिप का पार्ट है, तो इजिली डी मोल्ड नहीं कर पाएंगे चीज केक को. इसीलिए हम बैक का ये साइड यूज करेंगे. तो हम इस मोल्ड के अंदर डाल देते हैं लाइक दिस, और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि वो इजली निकल जाए और बेस हमारा बिल्कुल भी ब्रेक ना हो. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है, तो मुझे लगा ये बेसिक. मुझे पता नहीं था. हाँ? मुझे लगता था, पता नहीं, बहुत इजीली बन जाता होगा. एंड अब हम इसी में डालेंगे अपना जो बेस है और उसको बेक करेंगे. तो मैं इसके अंदर बटर को हल्का सा मेल्ट करके, ताकि वो स्मूथली निकल जाए. अब हम इसे डाल देंगे इसके अंदर. इसको अच्छे से हम इक्वल स्प्रेड करेंगे ताकि ये कहीं पे भी कम ज़्यादा ना हो. मुझे सारा चीज़ ही करने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए मैं, यू नो, इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बीच में एक स्टॉल लगा रही हूँ. स्टॉल में खाना बनवा के, यू नो, लगाऊंगी. और चाहती तो, यू नो, बाहर से बना के लगा देते, बिकॉज इट्स फॉर फन ना. और मैं वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ सो दैट इट डज नॉट साउंड लाइक अ फॉल्स क्लेम कि, यू नो, हेल्दी स्टॉल है. एक्चुअली जो भी स्टफ है उसमें हेल्थी है, और किस तरीके से बनाया मैंने वो भी क्लियरली आप लोग को बता दिया, आप लोग के सामने ही किया. और पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते करते हम लोग खाना बना रहे हैं, एंड दैट्स अ फन ऑफ इट. तो मैं पूरी चीज को एंजॉय कर रही हूँ. अभी हम इसको बेक करने बेक करेंगे 160 डिग्री पे 7 से 10 मिनट. इससे ज्यादा बेक नहीं करेंगे. देखिए, तो मैं कितनी लकी हूँ, खाना बनाना मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, शौक है. तो अभी मैं इसके साथ बनाते बनाते वो भी सीख जा रही हूँ. मैं भी लकी हूँ कि मैं हेल्दी खाना सीख गई. ये देखो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया. तो अब हम चलते हैं पापा को खिला बेकिंग के प्रोसेस की ओर. A few moments later. के बाद हम बना लेते हैं इसके ऊपर का बेस, जो कि स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएंगे. तो चलिए हम वो तैयार करते हैं. तो अभी हम लोग जो स्ट्रॉबेरी चीज केक बना रहे थे, उसका बेस हमारा बन चुका है. अभी उसके ऊपर का जो स्ट्रॉबेरी चीज का लेयर है उसे हम बनाने जा रहे हैं. तो उसके लिए मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ 200 grams ऑफ क्रीम चीज. अभी अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मॉन्ग फ्रूट शुगर 100 ग्राम के आसपास. तो ये हम अंदाजे से डाल देते हैं. ये ग्रीक योगर्ट है, तो ये हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून. 1 टीस्पून वेनिला एसेंस. अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे. उसके बाद हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो मिक्स करने के बाद बताते हैं. अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम. हमें बिल्कुल ठंडा ही डालना है.
अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ स्ट्रॉबेरी। ये मैंने 4 से 5 पीस को चॉप कर लिया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सर तैयार है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर लेयर डालेंगे जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अच्छे से कुक कर लेंगे और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरी में खुद की एक मिठास होती है एंड इट्स द सीजनल फ्रूट। गर्म में कुक करेंगे ये खुद ब खुद मेल्ट होके एक जूसी सा कंसिस्टेंसी दे देगा। मैं प्रेफर करूंगी एक्स्ट्रा शुगर नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस ये मेरे लिए नहीं बन रहा है, ये बाकी लोगों के लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग रश्मि के रिक्वेस्ट से थोड़ा सा मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाल दिया। सब देख सकते हो वो खुद ही खुद गल जाएगा। इसके बाद एक फोक से हम इसको दबा लेंगे तो ये एकदम लाइक यू नो जेली बन जाएगा। अब हम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक का जो लास्ट लेयरिंग है हम वो तैयार कर लेते हैं। ये रहा क्रीम चीज़, 100 ग्राम के आसपास ले रही हूँ। ये मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम। स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरे हमने तैयार किया था वो भी हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऊपर का लास्ट लेयर जो मैंने अभी तैयार किया हम के ऊपर ऐसे डाल देते हैं। ये मैं इसको ऐसे रोटेट कर रही ताकि सारी साइडों में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए